एपिसोड 32। अहले तुलैतुला ने अल्फांसो की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा महसूस करते हुए बतलियोस के हुक्मरान उमर अल मुतवक्किल के पास एक वफ्द भेजा है। उम्मीद है कि बतलियोस की फौज बहुत जल्द तुलैतुला की हिफाजत के लिए पहुंच जाएगी। मेरा इरादा था कि मैं तुलैतुला के सियासी कैदियों को भी रिहा कर दूं। उनके मुतालिक यहाँ कोई याददाश्त नहीं। मैंने तुलैतुला की नई हुकूमत से हिदायत तलब की थी, लेकिन अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर कबल मुझे ये इत्तला मिली है कि अल्फांसो की फौज हमारी सरहद की तरफ पेश कदमी कर रही है और उनके चंद दस्ते इस किले से 4 कोस के फासले पर पहुंच चुके हैं। मुमकिन है कि वो आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएँ। इसलिए मैंने कैदियों को फौरन आज़ाद करने का फैसला किया है। काश मुझे इससे कबल आपके मुतालिक मालूम होता। ये तुलैतुला की पुलिस के अफसर हैं और यहाँ ये अभी आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी कैद में ऐसे लोग भी हैं जिन पर अंदलुस के मुसलमानों को फख्र करना चाहिए। पुलिस अफसर उठकर आगे बढ़ा और उसने एक खाली कुर्सी उठाकर मेज के करीब रखते हुए कहा, आप तशरीफ रखिए, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं इस दस्ते के साथ था जिसके पहरे में आप करतबा के कैद खाने से तुलैतुला के कैद खाने में लाए गए थे। उस वक्त हमें ये मालूम न था कि हमारी जद्दोजहद का अंजाम क्या होगा। मैं तुलैतुला के उन हजारों आदमियों में से एक था जो तुलैतुला के शाही खानदान की हवी से इकतदार का आला कार बन चुके थे, लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने जिस आग का ईंधन बनना कबूल किया था उसके भड़कते हुए शोले हमारे अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मैं याहिया के साथ फरार हुआ था। मैंने अल्फांसो के पास पहुंचते ही एक मुआहिदा किया है जिसकी रूह से सरहद के कई किले अल्फांसो को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अल्फांसो याहिया को दोबारा तुलैतुला के तख्त पर बिठाने से पहले इन किलों पर कब्जा करना चाहता है। याहिया ने उसके कहने पर सरहदी किलों के तमाम मुहाफिजों के नाम खतूत लिख दिए हैं कि वो अल्फांसो की फौज का मुकाबला किए बगैर किले उसके हवाले कर दें। इस किले का कब्जा दिलाने के लिए याहिया ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ। अब्दुल मुनम ने उसकी बात काटते हुए कहा, शायद लंबी चौड़ी बातों के लिए ये वक्त मौजू न हो। मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि आप कौन सी शराइत पर हमें रिहा करना चाहते हैं। पुलिस के अफसर के बजाय किले के मुहाफिज ने जवाब दिया, आपको रिहा करना हमारे लिए एक मजबूरी है, आप पर कोई एहसान नहीं। इस वक्त जबकि अल्फांसो की फौज के दस्ते इस किले के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, हमारे लिए कैदियों की हिफाजत या निगरानी नामुमकिन है। आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आप अपने साथियों को पुरामन तरीके से निकाल कर ले जाएं। आपके जो साथी पैदल चलने के काबिल नहीं उन्हें हम घोड़े दे सकते हैं। अब्दुल मुन्नम के ख्यालात कहीं और थे। वो आंसुओं, नगमों और मुस्कुराहटों के सैलाब में बहा जा रहा था। मेरी बीवी, मेरे बेटे, वो माजी के नकाब उलटने के बाद करतबा में अपने आलीशान मकान के सहन में खड़ा था और हसन उसकी टांगों से लिपट कर कह रहा था, अब्बा जान मुझे भी अपने साथ ले चलो। आपने वादा किया था कि जब लड़ाई ख़त्म होगी तो आप मुझे साथ ले जाया करेंगे, और वो उसे अपने सीने से लगा कर कह रहा था, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई बेटा। फिर वो तसव्वुर में अपनी बीवी के सामने ये अल्फाज दोहरा रहा था, मुमकिन है मैं आज ही लौट आऊँ, मुमकिन है मुझे ज़िंदगी के कुछ दिन कैद खाने में गुजारने पड़ें, और ये भी मुमकिन है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। लेकिन मैं तुमसे ये तवक्के रखता हूँ कि इन बच्चों को तुम्हारा पहला और आखिरी सबक ये होगा कि एक मुसलमान का मकसद उसकी ज़िंदगी से बड़ा है। किले के मुहाफिज ने कहा, आप यहाँ से तुलैतुला के कैदियों के साथ जाना पसंद करेंगे या सीधे अपने घर जाना चाहते हैं। अब्दुल मुनम ने सालार की तरफ देखा और सर फेरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आपका मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर इस किले पर अल्फांसो की फौज हमला कर रही है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। कैद खाने की तारीखियों में मैंने हमेशा एक शहीद की मौत की तमन्ना की थी। मालूम होता है कि बारगाह एजदी में मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। मेरे साथी आपका साथ देंगे और मुझे यकीन है कि तुलैतुला के कैदी भी इस हाल में किला छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। हमें सिर्फ तलवारों की ज़रूरत है।
आप कितने आदमियों को हथियार दे सकते हैं? हमारे पास हथियारों की कमी नहीं, लेकिन सामान रसद शायद एक माह के लिए भी काफी न हो। सामान रसद हम दुश्मन से हासिल कर लेंगे। किले के मुहाफिज ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप बाकी कैदियों को राय मालूम कर लें? अब्दुल मुनम ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि जो लोग बनी जुन्नून के हुक्म से कैद किए गए हैं वो किसी मकसद के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। इशा के वक्त कैदी और पहरेदार पहली बार एक ही सफ में खड़े थे और अब्दुल मुनम उनकी इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहा था। नमाज के बाद अब्दुल मुनम की रूह परवर तकरीर उनके दिलों में एक नया वलवला पैदा कर चुकी थी। वो कैदियों को मुखातिब करके कह रहा था, मेरे दोस्तों, तुम्हारे हाथों से बेड़ियां उतार दी गई हैं, तुम्हारे कैद खाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन ये न समझो कि तुम आजाद हो गए हो। अगर हम इस तूफान अजीम का मुकाबला न कर सके जो शिमाल से अल्फांसो की शख्सियत में नमूदार हो रहा है, तो हम इस छोटे से कैद खाने से निकल कर किसी दिन अपने आप को एक वसी कैद खाने में पाएंगे। अंदलुस का हर मुसलमान ईसाइयों का गुलाम होगा। किले के हाकिम ने हमारी रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया है, लेकिन क्या हम अपने घरों में जाकर अपनी बीवियों, अपने बच्चों, अपनी माओं, बहनों और भाइयों को ये पैगाम देंगे कि हमारे पीछे नसरानियों का सैलाब आ रहा है? अल्फांसो ने तुलैतुला के सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद तुलैतुला के दारुल हुकूमत की बारी आएगी। उसके बाद ये सैलाब अंदलुस के दूसरे शहरों का रुख करेगा। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम इस जमीन पर इस्लाम की अजमत रफ्ता दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, अगर हमें अंदलुस में दुश्मनान इस्लाम की गुलामी गवारा नहीं, तो हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो ये कि हम तूफान के आगे आगे भागने के बजाय उसके सामने खड़े हो जाएं। अगर अल्फांसो की पेश कदमी फकत हमारे मुलूकुल तवाइफ में से किसी के तख्त ताज के लिए खतरे का बाइस होती, तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने तकरीर करने के बजाय सीधा उस शहर का रुख करता जहां मेरी बीवी, बच्चे, दोस्त और अहबाब बरसों से मेरे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये खतरा हमारा इज्तमाई खतरा है। ये उन लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है जो इस मुल्क में मुसलमान की हैसियत में जिंदा रहना चाहते हैं। हमारा दुश्मन सिर्फ तुलैतुला के चंद किलों पर ही नहीं, बल्कि जबल तारिक तक सलीब का निशान लहराने का आजम लेकर मैदान में आया है। मैं आपको इस किले की हिफाजत के लिए सीना सपर होने की दावत देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंदलुस के हुक्मरान की फिक्र है, बल्कि मुझे अपनी फिक्र है, तुम्हारी फिक्र है। इस छोटे से महाज पर हमारी जंग सारे अंदलुस के लिए होगी। हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नसरानियों का रास्ता रोक कर हम अहले तुलैतुला को तैयारी का मौका दे सकते हैं। चंद दिनों के बाद तुलैतुला के तूल व अरज में ये खबर मशहूर हो चुकी थी कि अल्फांसो की फौज ने अचानक पेश कदमी करके शिमाल मगरबी सरहद के बास चौकियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन एक किले में मुट्ठी भर जाबाजों की जमात एक नाकाबिल तस्खीर अजम के साथ हमलावरों का मुकाबला कर रही है। अल्फांसो ने यहया अल कादिर की मिल्लत फरोशी से फायदा उठाकर शिमाली सरहद के चंद अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया। जिन किलों के मुहाफिजों ने यहया का हुक्म मानने से इनकार किया, उन पर उसने अचानक हमला कर दिया और वो तुलैतुला की तरफ पेश कदमी करने से पहले शिमाली सरहद के बहुत से इलाके अपनी सल्तनत में शामिल करना जरूरी समझता था। अहले तुलैतुला इंतहाई परेशानी की हालत में अमीर अल-मुतवक्किल की फौज का इंतजार कर रहे थे। एक इज्तमाई खतरे के एहसास ने अवाम को मुत्तहिद कर रखा था और उन्होंने शहर के अकाबिर में से एक आदमी को आर्जी तौर पर अपना अमीर तस्लीम कर लिया था। शहर में रजाकारों को तरबियत देने की मुहिम जोरों पर थी और तुलैतुला के नए सिपह सालार की दरखास्त पर अहमद ने शहर के मजाफात से रजाकारों की एक फौज तैयार करने का बेड़ा उठा लिया था। शहर के अकाबिर को उस पर इस कदर एतमाद था कि जब कभी वो किसी फौजी नौइयत के मसले को जेर बहस लाते, तो सिपह सालार और फौजी उमूर के दूसरे बड़े माहिरीन के अलावा तो अहमद बिन अब्दुल मुनम की राय भी ली जाती। वो सुबह से शाम तक मसरूफ रहता। शेख अबू याकूब मजलिस शूरा का रुकन था, इसलिए वो भी अलस सुबह अहमद के साथ ही घर से निकल जाता। नमाज मगरिब आम तौर पर वो बस्ती की मस्जिद में अदा करते और उसके बाद अहमद अपने मेजबान के साथ उसके घर चला जाता। कभी अगर एक को देर हो जाती
تو دوسرا کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتا۔ زندگی کے سمندر میں ایک تند و تیز طوفان کی موجوں نے احمد اور طاہرہ کو ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ اب یہ طوفان گزر چکا تھا، اب ان کے درمیان دیواریں اور پردے حائل ہو رہے تھے، اور ان پردوں اور دیواروں کی اوٹ میں یہ دونوں سپنوں کی حسین اور دلکش بستیاں آباد کر رہے تھے۔ ایک رات ابو یعقوب ذرا دیر سے گھر آیا اور اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی خاتمہ کو آواز دے کر کھانا لانے کے لیے کہا۔ طاہرہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے دبی زبان میں کہا، ابا جان مہمان ابھی تک نہیں آیا، وہ ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ طاہرہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے ایک ثانیہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ وہ اپنے دل میں شکوے کر رہی تھی، وہ چلا گیا اور یہ جانے بغیر چلا گیا کہ یہاں کوئی عمر بھر اس کے راہ دیکھتی رہے گی۔ طاہرہ کو اپنے باپ کے سامنے کھڑا رہنا تکلیف دہ محسوس ہوا اور وہ آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابو یعقوب نے کہا، ٹھہرو بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، ابا جان میں آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لاتی ہوں۔ جب طاہرہ اپنے باپ کا ہاتھ دھلا رہی تھی تو خادمہ آئی اور اس نے پوچھا، آپ کا کھانا بھی یہیں لے آؤں؟ ابو یعقوب نے کہا، طاہرہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، لے آؤ ہم اکٹھے کھائیں گے۔ خادمہ نے کھانا لا کر رکھ دیا اور طاہرہ اپنے باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند لقمے اٹھائے، ابو یعقوب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، احمد چند دنوں تک واپس آ جائے گا۔ طاہرہ کے چہرے پر دوبارہ رونق آ گئی اور اس نے جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، ابا جان وہ کہاں گئے ہیں؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا تھا، انقلاب سے پہلے یحییٰ نے طلعتلا کے چند قیدیوں کو شمال مشرقی سرحد کے اہم قلعے میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ قلعے کے محافظ فوج کے ساتھ شامل ہو کر نصرانی حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چار دن قبل یہ اطلاع آئی تھی کہ قلعے کا محافظ شہید ہو چکا ہے اور ان کی قیادت ایک قیدی نے سنبھال لی ہے۔ چونکہ عمر المتوکل کی پیش قدمی کے باعث الفانسو کی توجہ شمال مغرب کے محاذ کی طرف مبذول ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں یہ امید تھی کہ اس قلعے پر الفانسو کا دباؤ زیادہ دیر نہیں رہے گا اور ہم یہاں کی فوج کے پہنچتے ہی ان کی مدد کے لیے رضاکاروں کے چند دستے روانہ کر دیں گے۔ لیکن آج یہ اطلاع ملی کہ قلعے کے محافظوں کی حالت نازک ہے اور الفانسو نے ایک نئی فوج بھیج کر ان کی رسد و کمک کے تمام راستے کاٹ دیے ہیں۔ اگر دو دن کے اندر اندر انہیں کوئی کمک نہ ملی تو وہ سب مارے جائیں گے۔ اگر صرف عام سپاہیوں کا سوال ہوتا تو شاید مجلس شورا اس قدر مستعدی ظاہر نہ کرتی، لیکن قیدیوں میں بعض با اثر لوگ ہیں، اس لیے 300 سوار فوراً روانہ کر دیے گئے ہیں۔ مجلس شورا کے اجلاس میں احمد بھی شریک ہوا تھا۔ جب اس مہم کی قیادت کا سوال پیش ہوا تو سب کی نگاہیں اس کی طرف مبذول ہو گئیں۔ طاہرہ نے کہا، لیکن 300 آدمی کب تک قلعے کی حفاظت کر سکیں گے؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس قلعے کی حفاظت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس نے احمد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ محافظ سپاہیوں اور قیدیوں کو وہاں سے نکال لائے۔ ہم طلعتلا کے دفاع کو خطرے میں ڈالے بغیر زیادہ دیر اس دور افتادہ مورچے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ طاہرہ نے کہا، ابا جان یہ مہم بہت زیادہ خطرناک تو نہیں؟ بیٹی، سپاہی کی ہر مہم خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ان سپاہیوں میں سے ہے جو خطرے کے وقت سب سے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ابو یعقوب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، احمد ایک صالح اور بہادر نوجوان ہے، آج رخصت سے پہلے میں نے اس کے ساتھ تمہارے مستقبل کے متعلق چند باتیں کی ہیں۔ طاہرہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ابو یعقوب نے قدر توقف کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں قدرت سے تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگ سکتا۔ تمہارے باپ کو اس بات پر فخر ہے کہ اندلس کے بہترین نوجوان نے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ تمہارا رشتہ قبول کیا ہے۔ بیٹی میں نے غلطی تو نہیں کی؟ اور طاہرہ مسرت کے سمندروں میں غوطے کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ باپ نے کہا، تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ میں کھا چکی ہوں ابا جان، وہ یہ کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ احمد، احمد، اس نے مسرت کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تم میرے ہو؟
और मेरे हो। सरहदी किला एक पहाड़ी के दामन में था। कुस्तुला के 700 सिपाही उस पर कई हमले कर चुके थे। उनका एक हमला इस कदर सख्त था कि किले के मुहाफिज अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। करीबन 200 सिपाही ऊपर से तीरों और ईंटों की बारिश के बावजूद सीढ़ियां लगाकर फसील के ऊपर जा पहुंचे। किले का मुहाफिज और उसके साथ करीबन 100 मुजाहिदीन लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अब्दुल मुनम ने उनके हौसले पस्त न होने दिए। मुजाहिद अपने नए सालार की तकलीद में मौत हयात से बेपरवाह होकर दुश्मन पर टूट पड़े और किले के अंदर दाखिल होने वालों में से बहुत कम ऐसे थे जिन्हें दोबारा जिंदा बाहर निकलने का मौका मिला। इस शदीद नुकसान के बाद नसरानी चंद दिन अहले किला के साथ मामूली छेड़छाड़ पर इत्तफाक करते रहे। भला आखिर एक रात उनके पास 200 ताज़ा दम सिपाहियों की कमक पहुंच गई और उन्होंने अलस सुबह किले पर फैसला कुन हमला कर दिया। कुस्तुला के सालार ने हलफ उठाया था कि जब तक ये किला फतह नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। पेशकश रहबर टीम ने।